सभी को ओम शांति। आज है 24 अप्रैल 2024। प्रातः मुरली, बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम सवेरे अमीर बनते हो, शाम को फकीर बनते हो। फकीर से अमीर, पतित से पावन बनने के लिए दो शब्द याद रखो, मन मनाभव, मध्या जी भव। प्रश्न, कर्म बंधन से मुक्त होने की युक्ति क्या है? उत्तर, याद की यात्रा तथा ज्ञान का सिमरण। कर्म बंधन से मुक्त होने की युक्ति है याद की यात्रा और ज्ञान का सिमरण। एक के साथ सर्व संबंध रहे, अन्य कोई में भी बुद्धि न जाए। जो सर्वशक्तिमान बैटरी है, उस बैटरी से योग लगा हुआ हो, अपने ऊपर पूरा ध्यान हो, दैवी गुणों के पंख लगे हुए हो, तो कर्म बंधन से मुक्त होते जाएंगे। ओम शांति। बाप ने बैठ समझाया है, यह है भारत के लिए कहानी। क्या कहानी है? सुबह को अमीर है, शाम को फकीर है। इस पर एक कहानी है, सुबह को अमीर था। यह बातें तुम जब अमीर हो तब नहीं सुनते हो। क्या कह रहे हैं? ये सब कहानी जब तुम अमीर हो तब नहीं सुनते हो, फकीर और अमीर की बातें तुम बच्चे संगम युग पर ही सुनते हो। यह दिल में धारण करना है। बरोबर, भक्ति फकीर बनाती है, ज्ञान अमीर बनाता है। दिन और रात भी बेहद का है, फकीर और अमीर भी बेहद की बात है, और बनाने वाला भी बेहद का बाप है। अभी पतित आत्माओं के लिए एक ही बैटरी है। क्या कहा बाबा ने? कि फकीर और अमीर भी बेहद की बात है, और बनाने वाला भी बेहद का बाप है। सभी पतित आत्माओं के लिए एक ही बैटरी है पावन बनाने की। ऐसे ऐसे टोटके याद रखो तो भी खुशी में रहेंगे। बाप कहते हैं, बच्चे तुम सवेरे अमीर बन जाते हो, फिर शाम को फकीर बन जाते हो। कैसे बनते हो, यह भी बाप समझाते हैं। फिर पतित से पावन, फकीर से अमीर बनने की युक्ति भी बाप ही बतलाते हैं। मन मनाभव, मध्याजी भव, यही दो युक्तियां हैं, यह भी बच्चे जानते हैं। यह पुरुषोत्तम संगम युग है। तुम जो भी यहाँ बैठे हो, गारंटी है तुम स्वर्ग के अमीर जरूर बनेंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। स्कूल में भी ऐसे होता है, नंबरवार क्लास ट्रांसफ़र होता है, इम्तिहान पूरा होता है तो फिर नंबरवार जाकर बैठते हैं। वह है हद की बात, यह है बेहद की बात। नंबरवार रुद्र माला में जाते हैं। माला अथवा झाड़, बीज तो झाड़ का ही है, परमात्मा फिर मनुष्य सृष्टि का बीज है। यह बच्चे जानते हैं। परमात्मा क्या है? मनुष्य सृष्टि का बीज है। यह बच्चे जानते हैं कि झाड़ वृद्धि को कैसे पाता है, पुराना कैसे होता है। आगे यह तुम नहीं जानते थे, बाप ने आकर समझाया है। अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग। अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, दैवी गुण के पंख भी धारण करने हैं। कौन से पंख? दैवी गुण के। अपने ऊपर पूरा ध्यान देना है। याद की यात्रा से ही तुम पावन बनेंगे, और कोई उपाय नहीं। बाप जो सर्वशक्तिमान बैटरी है, उनसे पूरा योग लगाना है। उनकी बैटरी कभी ढीली नहीं होती। क्या कहा? कि और कोई उपाय नहीं। बाप जो सर्वशक्तिमान बैटरी है, उनसे पूरा योग लगाना है। उनकी बैटरी कभी ढीली नहीं होती। वह सतो रजो तमो में नहीं आते, क्योंकि उनकी सदा कर्मातीत अवस्था है। तुम बच्चे कर्म बंधन में आते हो। कितने कड़े बंधन हैं। इन कर्म बंधनों से मुक्त होने का एक ही उपाय है, याद की यात्रा। इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं। जैसे यह ज्ञान है, यह भी हड्डियां नरम करता है। जैसे यह ज्ञान है, यह भी हड्डियां नरम करता है। यूं तो भक्ति भी नरम बनाती है। कहेंगे, यह बेचारा भक्त आदमी है, इनमें ठगी आदि कुछ भी नहीं है। परंतु भक्तों में ठगी भी होती है। बाबा अनुभवी हैं। आत्मा शरीर द्वारा धंधा धोरी करती है, तो इस जन्म का भी सब कुछ स्मृति में आता है। 4-5 वर्ष की आयु से अपनी जीवन कहानी याद रहनी चाहिए। कोई 10-20 वर्ष की बात भी भूल जाते हैं। जन्म जन्मांतर का नाम रूप तो याद नहीं रह सकता। एक जन्म का तो कुछ बता सकते हैं, फोटो आदि रखते हैं, दूसरे जन्म का तो पता नहीं रहता।
हरेक आत्मा भिन्न नाम रूप देश काल में पाठ बजाती है। नाम रूप सब बदलता रहता है, यह तो बुद्धि में है। कैसे आत्मा एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है, क्या ये बुद्धि में है? यह तो बुद्धि में है। कैसे आत्मा एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेती है? जरूर 84 जन्म, 84 नाम, 84 बाप बने होंगे। अंत में फिर तमो प्रधान संबंध हो जाता है। इस समय जितने संबंध होते हैं उतने कभी नहीं होते हैं। कलयुगी संबंधों को बंधन ही समझना चाहिए। कितने बच्चे होते हैं, फिर शादी करते हैं, फिर बच्चे पैदा करते हैं। इस समय सबसे जास्ती बंधन है चाचे मामे काके का। जितने जास्ती संबंध उतनी जास्ती बंधन। बाबा क्या कह रहे हैं कि अभी जितना ज़्यादा संबंध उतना बंधन। फिर शादी करते हैं, बाबा ने कहा कितने बच्चे होते हैं, फिर शादी करते हैं, फिर बच्चे पैदा करते हैं। इस समय सबसे जास्ती बंधन है चाचे मामे काके का। जितनी जास्ती संबंध उतने जास्ती बंधन। अखबार में पढ़ा 5 बच्चे इकट्ठे जन्मे, 5ों ही तंदुरुस्त हैं। हिसाब करो कितने ढेर संबंध बन जाते हैं। इस समय तुम्हारा संबंध सबसे छोटा है। इस समय क्या है? तुम्हारा संबंध सबसे छोटा है। सिर्फ एक बाप से सर्व संबंध है, दूसरा कोई से भी तुम्हारा बुद्धि योग नहीं है सिवाय एक के। सत्युग में फिर इससे जास्ती हैं। हीरे जैसा जन्म तुम्हारा अभी है। क्या कहा बाबा ने कि दूसरा कोई से भी तुम्हारा बुद्धि योग नहीं है सिवाय एक के। सत्युग में फिर इससे जास्ती हैं। हीरे जैसा जन्म तुम्हारा अभी है। हाईएस्ट बाप बच्चों को अडॉप्ट करते हैं। जीते जी गोद में जाना वर्षा पाने के लिए सो अभी ही होता है। तुम ऐसे बाप की गोद में आए हो जिससे तुमको वर्षा मिलता है। तुम ब्राह्मणों से ऊंच कोई है नहीं, सबका योग एक के साथ है। तुम्हारा आपस में भी कोई संबंध नहीं, बहन भाई का संबंध भी गिरा देता है। संबंध एक से होना चाहिए, यह है नई बात। पवित्र होकर वापस जाना है। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करने से तुम बहुत रौनक में आएंगे। सत्युगी रौनक और कलियुगी रौनक में रात दिन का फर्क है। भक्ति मार्ग के समय है ही रावण का राज्य। पिछाड़ी में साइंस का घमंड भी कितना होता है। क्या कहा बाबा ने कि पिछाड़ी में साइंस का घमंड भी कितना होता है। जैसे सत्युग से भेंट करते हैं, एक बच्ची ने समाचार लिखा कि हमने प्रश्न पूछा कि स्वर्ग में हो या नरक में, तो 4-5 ने कहा हम स्वर्ग में हैं। बुद्धि में रात दिन का फर्क पड़ जाता है। कोई समझते हैं हम तो नरक में हैं, फिर उनको समझाना पड़ता है कि स्वर्गवासी बनने चाहते हो, स्वर्ग कौन स्थापन करते हैं। यह बहुत मीठी मीठी बातें हैं, तुम नोट करते हो परंतु वह कॉपी में ही नोट्स रह जाते हैं। क्या कह रहे हैं बाबा कि तुम नोट करते हो परंतु वह कॉपी में ही नोट्स रह जाते हैं, समय पर याद नहीं आते। अब पतित से पावन बनाने वाला परमपिता परमात्मा शिव है। वह कहते हैं मामे कम याद करो तो पाप कट जाएंगे। याद में कोई तो आमदनी होगी ना, याद की रसम अब निकली है। याद से ही तुम कितने ऊंच स्वच्छ बनते हो। जितनी जो मेहनत करेगा उतना ऊंच पद पाएगा। बाप से भी पूछ सकते हो, दुनिया में तो संबंध और जायदाद के पीछे झगड़े ही झगड़े हैं। यहाँ तो कोई संबंध नहीं, एक बाप दूसरा न कोई। बाप है बेहद का मालिक। बाप तो क्या कह रहे हैं कि वह बेहद का मालिक है। बात तो बड़ी सहज है। उस तरफ है स्वर्ग और इस तरफ है नर्क। नर्कवासी अच्छे या स्वर्गवासी अच्छे? जो सयाने होंगे वह तो कहेंगे स्वर्गवासी अच्छे। कोई तो कह देते हैं नर्कवासी और स्वर्गवासी। कोई क्या कह देते हैं, नर्कवासी अच्छे या स्वर्गवासी अच्छे, ऐसे पूछा जाता है। जो सयाने होंगे वह तो कहेंगे स्वर्गवासी अच्छे। कोई तो कह देते हैं नर्कवासी और स्वर्गवासी। इन बातों से हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि बाप को नहीं जानते हैं। कोई फिर बाप की गोद से निकल माया की गोद में चले जाते हैं। वंडर है ना, बाप भी वंडरफुल तो ज्ञान भी वंडरफुल, सब वंडरफुल। इन वंडर्स को समझने वाला भी ऐसा चाहिए जिसकी बुद्धि इस वंडर में ही लगी रहे। रावण तो वंडर नहीं है, न उनकी रचना वंडर है। रात दिन का फर्क है, शास्त्रों में लिख दिया है।
काली दह में गया, सर्प ने डसा, काला हो गया। अब तुम अच्छी रीति यह सब समझा सकते हो। श्री कृष्ण के चित्र को कोई उठाकर पढ़े तो रिफ्रेश हो जाए। क्या कह रहे? श्री कृष्ण के चित्र को कोई उठाकर पढ़े तो रिफ्रेश हो जाए। 84 जन्मों की कहानी है, जैसे श्री कृष्ण की वैसे तुम्हारी। स्वर्ग में तो तुम आते हो ना, स्वर्ग में तो तुम आते हो ना, फिर त्रेता में भी आते रहते हैं, वृद्धि होती रहती है। ऐसे नहीं त्रेता में तो राजा होते हैं, वह त्रेता में ही आएंगे। पढ़े के आगे अनपढ़े को भरी ढोनी पड़ेगी। क्या कहा बाबा ने? ऐसे नहीं त्रेता में जो राजा होते हैं वह त्रेता में ही आएंगे, पढ़े के आगे अनपढ़े को भरी ढोनी पड़ेगी। यह ड्रामा का राज बाबा ही जान सकते हैं। अब तुम जानते हो तुम्हारे मित्र संबंधी आदि सब नरकवासी हैं। हम पुरुषोत्तम संगम युगी हैं, अब पुरुषोत्तम बन रहे हैं। बाहर के रहने और यहाँ साथ रोज आकर रहने में बहुत फर्क पड़ जाता है। बाहर रहने में और यहाँ साथ रोज आकर रहने में बहुत फर्क पड़ जाता है। हंसों के संग से निकल बगुले के संग में जाते हैं। हंसों के संग में संग से निकल बगुलों के संग में जाते हैं। बहुत बिगाड़ने वाले भी हैं, बहुत बच्चे मुरली की परवाह नहीं करते हैं। बाप समझाते हैं, गफलत नहीं करो, तुमको खुशबूदार फूल बनना है। सिर्फ एक बात ही तुम्हारे लिए काफ़ी है, याद की यात्रा। यहाँ तुमको ब्राह्मणों का ही संग है। कहाँ ऊँचते ऊँच, कहाँ नीच। बच्चे लिखते हैं, बाबा बगुलों के झुंड में हम एक हंस क्या करेंगे, बगुले कांटे लगाते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाप की श्रीमत पर चलने से पद भी ऊंचा मिलेगा। सदैव हंस होकर रहो, बगुले के संग में बगुला न बन जाओ। गायन है आश्चर्यवत सुनंती, कथंती भागंती। थोड़ा भी ज्ञान है तो स्वर्ग में आएंगे, परंतु फर्क रात दिन का पड़ जाता है। क्या कहा बाबा ने? थोड़ा भी ज्ञान है तो स्वर्ग में आ जाएंगे, परंतु फर्क रात दिन का पड़ जाता है। सजाएं बहुत कड़ी खाएंगे। बाप कहते हैं, मेरी मत पर न चल, पतित बने तो 100 गुना दंड पड़ जाता है। क्या कहा? बाप कहते हैं, मेरी मत पर न चल, पतित बने तो 100 गुना दंड पड़ जाता है, फिर पद भी कम हो जाता है। यह राजाई स्थापन हो रही है, यह बातें भूल जाती हैं। यह भी याद रहे तो भी उच्च पद पाने का पुरुषार्थ जरूर करें। नहीं करते हैं तो समझा जाता है, एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। बाप से योग नहीं, यहाँ रहते भी बुद्धि योग बाल बच्चों की तरफ है। बाप कहते हैं, सब कुछ भूल जाना है, इसको कहा जाता है वैराग्य। इसमें भी परसेंटेज है, कहाँ ना कहाँ ख्यालात चले जाते हैं। एक दो से लव हो जाता है तो भी बुद्धि लटक जाती है। क्या कहा बाबा ने? बाप कहते हैं, सब कुछ भूल जाना है, इसको कहा जाता है वैराग्य। बाप से योग नहीं, यहाँ रहते भी बुद्धि योग बाल बच्चों की तरफ है, ये बाबा आज कह रहे हैं। इसमें भी परसेंटेज है, कहाँ ना कहाँ ख्यालात चले जाते हैं। एक दो से लव हो जाता है तो भी बुद्धि लटक जाती है। बाबा रोज समझाते हैं, इन आँखों से जो कुछ देखते हो वह सब खत्म होने वाला है। क्या कहा बाबा ने? कि इन आँखों से जो कुछ देखते हो वह सब खत्म होने वाला है। तुम्हारा बुद्धि योग नई दुनिया में रहे, और बेहद के संबंधियों से बुद्धि योग रखना है। यह माशुक वंडरफुल है, भक्ति में गाते हैं। आप जब आएंगे तो आपके बिगर हम किसको भी नहीं याद करेंगे। तो शिव बाबा आज की मुरली में कह रहे हैं, तुम्हारा बुद्धि योग नई दुनिया में रहे, और बेहद के संबंधियों से बुद्धि योग रखना है। यह माशुक वंडरफुल है, भक्ति में गाते हैं। आप जब आएंगे तो आपके बिगर हम किसको भी याद नहीं करेंगे। अब मैं आया हूँ तो अब तुमको सब तरफ से बुद्धि योग हटाना पड़े ना। यह सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। तुम्हारा जैसे मिट्टी के साथ बुद्धि योग है, मेरे साथ बुद्धि योग होगा तो मालिक बन जाएंगे। बाप कितना समझदार बनाते हैं, मनुष्य नहीं जानते कि भक्ति क्या है और ज्ञान क्या है। अब तुमको ज्ञान मिला है तब तुम भक्ति को भी समझते हो। अब तुमको क्या मिला है? ज्ञान, इसलिए हम भक्ति को भी समझते हैं। अब तुमको फीलिंग आती है कि भक्ति में कितना दुख है। मनुष्य भक्ति करते हैं, अपने को बहुत सुखी समझते हैं, फिर भी कहते हैं भगवान आकर फल देंगे। किसको और कैसे फल देंगे वह कुछ भी नहीं समझते। अब तुम जानते हो बाप भक्ति का फल देने आए हैं। विश्व की
राजधानी का फल जिस बाप से मिलता है वह बाप जो डायरेक्शन देते हैं उस पर चलना पड़े। विश्व की राजधानी का फल जिस बाप से मिलता है वह बाप जो डायरेक्शन देते हैं उस पर चलना पड़े। उनको कहा जाता है ऊंचे ते ऊंची मत मिलती तो सबको है, फिर कोई चल सके कोई चल ना सके। बेहद की बादशाही स्थापन होनी है। तुम अभी समझते हो हम क्या थे, अब हमारी क्या हालत है। माया एकदम खत्म कर देती है। यह तो जैसे मुर्दों की दुनिया है। भक्ति मार्ग में तुम जो कुछ सुनते थे वह सब सत सत करते थे, लेकिन तुम जानते हो कि सच तो एक बाप ही सुनाते हैं। ऐसे बाप को याद करना चाहिए। यहाँ कोई बाहर वाला बैठा हो तो उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, कहेंगे ये तो पता नहीं क्या सुनाते हैं। तो यहाँ पर कोई बाहर वाला अगर आकर बैठेगा तो उनको लगेगा पता नहीं क्या सुनाते हैं। सारी दुनिया कहती है परमात्मा सर्वव्यापी है। सारी दुनिया क्या कहती है, परमात्मा सर्वव्यापी है। और यह कहते हैं वह हमारा बाप है। कांध से ना ना करते रहेंगे, तुम्हारे अंदर से हाँ हाँ निकलती रहेगी, इसलिए नए कोई को अलाउ नहीं किया जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणाएं खुशबूदार फूल बनने के लिए संग की बहुत संभाल करनी है। हंसों का संग करना है, हंस होकर रहना है। मुरली में कभी बेपरवाह नहीं बनना है, गफलत नहीं करनी है। सेकंड पॉइंट, कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए संगम युग पर अपने सर्व संबंध एक बाप से रखने हैं। कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए संगम युग पर अपने सर्व संबंध एक बाप से रखने हैं। आपस में कोई संबंध नहीं रखना है। किसी हद के संबंध में लव रख बुद्धियोग लटकाना नहीं है, एक को ही याद करना है। वरदान है परमात्म लव में लीन होने व मिलन में मगन होने वाले सच्चे स्नेही भव। विस्तार में स्नेह की निशानी गाई जाती है कि दो होते भी दो ना रहें लेकिन मिलकर एक हो जाएं, इसको ही समा जाना कहते हैं। भक्तों ने इसी स्नेह की स्थिति को समा जाना व लीन होना कह दिया है। लव में लीन होना यह स्थिति है, लेकिन स्थिति के बदले उन्होंने आत्मा के अस्तित्व को सदा के लिए समाप्त होना समझ लिया है। आप बच्चे जब बाप के व रूहानी माशूक के मिलन में मगन हो जाते हो तो समान बन जाते हो। स्लोगन है, अंतर्मुखी वह है जो व्यर्थ संकल्पों से मन का मौन रखता है। अंतर्मुखी वह है जो व्यर्थ संकल्पों से मन का मौन रखता है। सभी को ओम शांति।